नमस्कार आप देख रहे हैं अनुप्रज्योति चैनल मैं आपके साथ आशु मेघवाल गतिमपुर नगर पालिका चुनाव 2020 को लेकर मतदान बूथों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई वहीं इस चुनावी समर में 50 प्रत्याशी मैदान में, में होने के कारण प्रत्याशी व उनके समर्थक अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं वहीं मतदाता अपने वार्ड पार्षदों को चुनने के लिए मतदान बूथों पर पहुँच मतदान की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं मतदान के चलते खाकी वर्दी भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही हैं वहीं चुनाव आयोग की नगर पालिका चुनावों पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं थाना प्रभारी समरवीर सिंह के नेतृत्व में जगह जगह खाकी वर्दी का पहरा भी नजर आ रहा है मतदान को लेकर बुजुर्ग एवं महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है प्राप्त जानकारी के अनुसार कई जगह तो बुजुर्गों एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है आज सुबह से ही शहर से में सरकार बनाने के लिए वार्डवासी मतदान करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं इस बार बीस वार्डों में चुनाव हो रहे हैं सभी मतदाता बीस ही वार्डों में नया पार्षद चुनने के लिए कश्मकश चल रही है वहीं मतदाता बिना किसी व्यय के मतदान कर रहे हैं जानकारी के अनुसार गतिहपुर में लगभग चौरासी पॉइंट तिरानवे प्रतिशत मतदान हुआ वहीं पचास प्रत्याशियों की किस्मत ए वी ई एम मशीन में बंद हो गई इनके भाग्य का फैसला तेरह दिसंबर को होगा सात हज़ार तीन सौ बत्तीस मतदाताओं में से छः हज़ार दो सौ सत्ताईस मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जानकारी के अनुसार सबसे अधिक मतदान वार्ड नंबर चार एवं सबसे कम मतदान वार्ड नंबर एक में हुआ